में पहला मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली भारत की महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने एक बार फिर इतिहास रचा। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। भारत की पहली महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने लगातार एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया। भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू ने दूसरी बार भारत की झोली में स्वर्ण पदक डाला है। भारत के लिए वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक और रजत पदक जीतने वाली ये प्रथम महिला हैं। बता दें, मीराबाई चानू ने साल 2014 में ग्लासगो में 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल कर अपना पहला राष्ट्रमंडल खेलों का पदक जीता था। फिर रियो ओलंपिक 2016 में वह असफल रही थी, लेकिन दो साल बाद 2017 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही उन्होंने धुआंधार वापसी की। उन्होंने गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन उनकी असली परीक्षा 2021 में टोक्यो ओलंपिक में हुई, जब उन्होंने अपने पिछले ओलंपिक पराजय से वापसी करते हुए रजत पदक जीता और रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय वेटलिफ्टर बन गई। ओलंपिक में कर्णम मलेश्वरी के बाद पदक जीतने वाली वे देश की दूसरी वेटलिफ्टर हैं। मलेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीता था। लकड़ी के गट्ठर से सफर शुरू करने वाली साइखोम मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 में भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुआ। इनकी माता साइखोम ओंगबी तोंबी लीमा, जो कि पेशे से एक दुकानदार हैं, वहीं इनके पिता साइखोम कृति मैतेई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। मीरा जी के घर में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना करता था और उन्हें लकड़ियाँ जंगल से लानी पड़ती थी। मीराबाई चानू अपने बचपन के दिनों से ही वेट लिफ्टिंग में रुचि रखती थी। वह केवल 12 वर्ष की उम्र में ही लकड़ियों के मोटे मोटे गट्ठर उठाकर अभ्यास किया करती थी। चानू उन बड़े बड़े गट्ठरों को भी आसानी से उठा लेती थी, जिन्हें उनका भाई मुश्किल से ही उठा पाता था। वेट लिफ्टिंग के सपने देखने वाली चानू मीराबाई महिला वेट लिफ्टर कुंजू रानी देवी से काफी प्रेरित थी। कुंजू रानी भी मणिपुर की थी और एथेंस ओलंपिक में खेल चुकी थी। उन्हें देखकर मीरा ने अभी अपने परिवार वालों से वेटलिफ्टिंग में करियर बनाने की ठानी। पहले तो हर कोई नाराज हुआ और सबने मना कर दिया, लेकिन अंत में उन्हें मीरा की जिद के आगे झुकना पड़ा। आज मीराबाई चानू ने ये साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है।